नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरे पास ये देख रहे हैं आप, ये यामा कंपनी का कीबोर्ड है। और ये कीबोर्ड, इसका जो मॉडल है दोस्तों, ये है i455। ठीक है, तो आज इसका रिव्यू भी करते हैं और आज देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है इस कीबोर्ड के अंदर। तो लगभग 22,000 के आसपास, 22,000 के आसपास इसकी कॉस्ट है इंडिया में। तो एक बार सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है और यहाँ एडाप्टर है जो मैंने अभी ये कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर पोर्ट है इसके, दो तीन मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से यहाँ पर ये सस्टेन पैडल का और आउटपुट का, ये यहाँ पर दो ये नौ स्विच सॉकेट दे रखे हैं और यहाँ पर यूएसबी का दे रखा है इन्होंने। और ये इसमें ये टू डिवाइस कनेक्ट का दे रखा है, ये होस्ट करने का यूएसबी का। ठीक है, ये चार पांच पोर्ट इसके अंदर दे रखे हैं स्विचेस। तो ये मेरे एक मित्र हैं, उनका कीबोर्ड है। इसके टोन इसके अंदर नहीं बने हुए, तो उन्होंने इसको टोन बनाने के लिए मेरे पास भेजा है। तो दोस्तों, इसमें ये बहुत शानदार सा पिच बेंडर है, इधर ये आप देख रहे हैं मास्टर वॉल्यूम है इसका, मिनिमम मैक्सिमम। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, लाइव कंट्रोल यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। इसके अंदर आपका तबला, तानपुरा, फिल्टर इफेक्ट, इजी स्टाइल फिल्टर, वो सब कर सकते हैं। और ये नॉब दे रखी हैं दो, इन नॉब से आप बैलेंस कर सकते हैं टेम्पो, कट ऑफ, रिवर्व, अटैक, कट ऑफ। ठीक है, बैलेंस टू दे रखा है ये वाला नॉब, इससे ट्रांसपोज कर सकते हैं आप रेजोनेंस, कोरस, रिलीज, रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें आप इन नॉब से कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम में भी। ठीक है दोस्तों, और स्पीकर तो इसके अंदर बहुत ही लाजवाब अच्छे हैं क्वालिटी के। और फिर इसमें ये देख रहे हैं आप, इधर डेमो है, लेसन है, ये तो सब नॉर्मल चीज़ें होंगी। इसके अंदर रिकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। देन मेट्रोनोम है इसके अंदर और टेम्पो है, प्लस माइनस आप कर सकते हैं इसको टाप करके। एकॉम्प ऑफ ऑन का भी सिस्टम इसके अंदर है, इंट्रो और ऑटो फिलअप, ये सिंक स्टार्ट वगैरह सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम में। ठीक है दोस्तों, देन आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये तबला और तानपुरा है इसके अंदर, तीन चार तरीके के तानपुरा हैं इसके अंदर और दो स्टेज के तबला के दे रखे हैं। सॉन्ग भी दे, सॉन्ग लिस्ट भी इस पर दे रखी है इन्होंने, स्टाइल ड्रम कॉर्ड और वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं इन्होंने। ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये पोर्टेबल ग्रैंड, यानी पियानो डायरेक्ट जा सकते हैं आप यहाँ से। और इधर स्प्लिट का पॉइंट है, ड्यूअल का पॉइंट है, हारमोनी का पॉइंट है और आपका आरपेजियो है। तबला तानपुरा कैटेगरी में आगे बढ़ते हैं तो फिर सॉन्ग लिस्ट यहाँ से ओपन होती है आपकी, स्टाइल यहाँ से ओपन हो जाएंगी, वॉइस आपकी जो साउंड है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये डेटाबेस का है। ठीक है, और इसके अंदर अच्छी चीज़ है कि बैंक बैंक मेमोरी है, तो इसमें चार बैंक हैं। और एक बार मैं कीबोर्ड को ऑन कर लेता हूँ पहले, तो ज़रा सा इसका टच सेंसर बहुत अच्छा है, ज़रा सा टच करते ही ये कीबोर्ड ऑन हो जाता है। अब ये कीबोर्ड ऑन हो गया, तो इसके अंदर इंडियन टोन भी है। तो हम बैंक मेमोरी की बात कर रहे थे, तो पहले इसके हम बैंक देख लेते हैं, कितने बैंक हैं इसके, वन से लेके आठ, आठ इसके बैंक हैं, 8 × 4 यानी 8 × 4, 32 टोन आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 32 टोन।
इसके अंदर आप सेव कर सकते हैं 8 बैंक के अंदर, ठीक है, ये 8 बैंक हैं इसके अंदर, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देख रहे हैं, ये तबला तानपुरा का है, तो यहाँ पर ये लाइट जल जाएगी तो आपको तबला तानपुरा, ये आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ। ये इधर सॉन्ग लिस्ट है, अगर सॉन्ग लिस्ट की बात करें तो हम जैसे ये इंडियन का सॉन्ग है कोई, मैं कुछ भी प्ले नहीं कर रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक इसके अंदर जो मेलोडीज डाली हुई हैं वो चल रही हैं, ठीक है। मैं इसको ऑफ करता हूँ। सॉन्ग लिस्ट स्टाइल देख लेते हैं दोस्तों इसकी। ये भजन का एक स्टाइल है, इसको आगे करता हूँ। बहुत ही अच्छा मतलब स्टाइल है इसके, यहाँ से आप इन्हें इंट्रो और वो भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं इंट्रो इसका, अब ये देख रहे हैं मैंने इसको सिंक ऑन स्टार्ट किया है, तो जैसे मैं उंगली रखूँ, अब इसका सिंक जैसे मैंने ऑन कर दिया एक बार, ठीक है, एक बार प्रेस करना है, तो यहाँ पर ये नीचे देख रहे हैं आप, ये बिलिंग करेगा, और जैसे ही मैं कोई भी किसी भी की पर मैं उंगली टच करूँगा तो ये चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। स्टाइल भी इसकी काफ़ी अच्छी है, यहाँ से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, या आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं कर्सर से। ये देख रहे हैं इस तरीके के इसके अंदर कुछ है, जैसे भांगड़ा है, भांगड़ा 2 है, बल्ले बल्ले, इस तरीके से तमिल केरला, ये राजस्थानी एक टोन है इसके अंदर, डांडिया, इस तरीके की ये टोन इसके अंदर है, ठीक है, ये सॉरी स्टाइल है। देन आते हैं हम नेक्स्ट वॉइस पर। वॉइस का मैंने क्लिक किया, यहाँ देख रहे हैं आप हारमोनियम, हारमोनियम 2, हारमोनियम 3, सहनाई, सारंगी, सारंगी 2, पुंगी, सितार, सितार, सरोद, संतूर, तानपुरा, तबला किट 1, 2, 3, इस तरीके से ये पियानो वगैरह, फिर ये बहुत सारी कैटेगरी हैं। और इसके अंदर ये देख रहे हैं आप, इधर ये तबला 3 ताल, रूपक, झपताल, 1 ताल, चौताल, दादरा, कहरवा, गरबा, भजन, पंजाबी, और ये बहुत सारे इसके अंदर, ठीक है, ये दे रखे हैं। स्टाइल की बात करूँ तो इसके अंदर इंडियन है 1 से लेके 24 तक, और फिर 8 बीट, 16 बीट, डिस्को, लैटिन, ये सारी इसके अंदर दे रखी हैं। ये तो खैर बहुत ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। फिर इसके अंदर वॉइस में दे रखे हैं, इंडियन वॉइस दे रखे हैं दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इंडियन वॉइस दे रखे हैं स्टार्टिंग में ही इसके, और फिर अकॉर्डियन, गिटार, बेस, स्ट्रिंग, वो सारी चीज़ें जो एक कीबोर्ड के अंदर होनी चाहिए, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन, ब्रास, फ्लूट, सिंथ लीड, वो सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों सॉन्ग लिस्ट में इसके एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, देखिए, एक तो इसके अंदर आरपेजियो, ये देख रहे हैं आप 242 से आरपेजियो का स्टार्ट होता है, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। 242 यहाँ से ये इसका आरपेजियो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों, अब मैं देखता हूँ उसको।
ये आप साउंड सुन रहे हैं। दूसरा करता हूँ चैम्बर का, ठीक है। तीसरा देखते हैं पज स्ट्रिंग्स का है, लैटिन। आप कोई भी कोड दबाएंगे तो उसी का वो निकाल के देगा। ब्रास सेक्शन का है, मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ उसका हल्का सा। ब्रास टू, फंक ब्रास, पियानो के भी कॉर्ड है इसके अंदर। पियानो के कई सारे हैं, हाइब्रिड, सिंथ के भी हैं, गिटार। देख रहे हैं कितने मस्त इसके कॉर्ड हैं। और दोस्तों लाइव प्रोग्राम इससे आप कर सकते हैं, अच्छा कीबोर्ड है काफ़ी, ठीक है। ये चीज़ तो खैर पसंद आई मुझे इसकी, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और इसमें बहुत सारे दोस्तों ये इस तरीके बहुत सारे आरपेजियो से आप कर सकते हैं। और देन इसके बाद में मुझे जो सबसे अच्छी खासियत लगी इसकी, ये देख रहे हैं आप सॉन्ग लिस्ट के अंदर आपका राग स्केल। और अगर मैं सॉन्ग लिस्ट इसको प्रेस करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर नंबर दे रखा है हमारा 101। अब मैं इसको 101 पर ले जाता हूँ, ठीक है। और ये देखिए राग बिलावल, ये पूरा आपको सरगम के साथ में सारी वो रीडिंग बता रहा है। और यहाँ पर ये रीडिंग को शो भी कर रहा है कि कौन कौन सी इसके अंदर रीड वो प्ले हो रही है। तो इससे आप अलंकार तो बहुत गजब सीख सकते हैं। मैं इसके अंदर कुछ भी प्ले नहीं कर रहा हूँ, एक हाथ में मेरे मोबाइल है और दूसरा हाथ मेरा यहाँ पर रखा है ये, ठीक है दोस्तों। देन इसके बाद में इसके अंदर खमाज, सभी के इन्होंने ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर। और इन्होंने कई कई अलंकारों में इनको बनाया है, भैरव, बहुत ही अच्छे इसके अंदर ये फीचर है ये। कल्याण, असावरी, कल्याणी, हंसध्वनी, मोहनम, हिंडोलम, शंकरव, बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर दे रखी है। और देन इसके बाद में इसमें यूज़र के भी दे रखे हैं कि 111 से आप 120 तक आप इसमें यूज़र आप अपने सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है इस रेंज में, ये 22-23 हज़ार रुपये में, बहुत ज़्यादा ये महंगा कीबोर्ड नहीं है। और बहुत ही शानदार इसका लुक है, पूरा 61 की का ये कीबोर्ड है। और दोस्तों इसके बाद में मैं फिर इसके अच्छे जो भी टोन बना सकता हूँ, मैं आपको इसके टोन बना के दिखाऊंगा। अभी जैसे मैंने एक दो क्रिएट किए हैं, तो अभी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके टोन जो अभी लेटेस्ट अभी चल रहे हैं मार्केट में, वो टोन मैं इसके बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर हम डायरेक्ट ही बना सकते हैं अपने आप से, हमें कहीं कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है।
तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को तो मैं यहीं एंड करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा ये। और अगर वीडियो आपको कैसा लगा है एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।